बेल AH-1Z वाइपर दुनिया के जदीद तीन हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इस हमला आवर हेलीकॉप्टर को जुलू कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम अमेरिकन हेलीकॉप्टर बेल AH-1Z वाइपर के कुछ की फैक्ट्स जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये हेलीकॉप्टर टारगेट साइट सिस्टम से लैस है, विच प्रोवाइड्स लॉन्ग रेंज टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, जो दोस्त से दुश्मन में फर्क करने के लिए जरूरी है। ऑप्टिमाइज टॉप ऑन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम पायलट्स के लिए हालात से मुतल्लिक आगाही को मजीद बढ़ाता है। AH-1Z के 6 वेपन स्टेशंस हैं, जो मुख्तलिफ किस्म का गोला बारूद ले जा सकते हैं, इंक्लूडिंग AIM-91 साइड वाइंडर एयर टू एयर मिसाइल्स, AGM-179 जॉइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, हेल फायर मिसाइल्स और एक 20mm M197 तोप है। ये मुतनव्वे हथियार इससे मुख्तलिफ जंगी मंजरनामों में इंतहाई मुअस्सर बनाता है। सख्त समंदरी माहौल को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया AH-1Z तवानाई को जज़्ब करने वाले लैंडिंग गियर, सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक्स और जदीद इंसदादी इकदाम के साथ एक मजबूत एयर फ्रेम पेश करता है। इसके रोटर सिस्टम में कम हिस्से होते हैं, बैलिस्टिक सर्वाइवेबिलिटी में इजाफा होता है, जिससे इसे बरकरार रखना आसान और लड़ाई में ज्यादा काबिल एतमाद है। तो व्यूअर्स, AH-1Z टू जनरल इलेक्ट्रिक 1700 GE-401C टर्बोशॉफ्ट इंजन से तकवियत जाता है। AH-1Z 255 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 264 माइल्स और सर्विस की हद 19,685 फीट। इसके डिजाइन में 4 ब्लेड मेन रूटर और टेल रूटर शामिल है, जो हेलीकॉप्टर की आला कारकर्दगी में हिस्सा डालता है। तो व्यूअर्स, AH-1Z वाइपर को US मैरीन कॉर्प्स के जरिए फाल तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसे कई ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो जदीद जंग में इसकी ग्लोबल अपील को जाहिर करता है। व्यूअर्स, आपका बेल AH-1Z हेलीकॉप्टर के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।